नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज 27, खबरें सबसे पहले आप तक। जाने माने नेत्र चिकित्सक एवं नेत्र सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार सिनाडिया, आज मैं उनकी क्लिनिक में हूँ और आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को आज बताना चाहूँगा नेत्र संबंधित जो बीमारियाँ हैं, जैसे मोतियाबिंद का सफल इलाज कैसे किया जाता है, मोतियाबिंद से कैसे बचा जा सकता है, मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन के बाद लेंस प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे करेंगे, इन सारी तमाम जानकारियों के साथ मैं डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा से मैं अभी मुताबित होता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ सर एमबी ने इस वक्त शहर के जाने माने डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा जो एक नेत्र चिकित्सक के साथ साथ एक कुशल नेत्र सर्जन भी हैं, इन्होंने कई ऐसे मरीज हैं जिनके अपनी नेत्र चिकित्सा के माध्यम से लोगों की कोई भी रोशनी वापस किया है। आज मैं इस कड़ी में और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को नेत्र चिकित्सा से संबंधित जो अपडेट्स है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आए दिन और ये नेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम जानकारी के साथ मैं हाजिर हूं डॉक्टर आलोक सिन्हा के साथ। सर धन्यवाद बिल्कुल जी, और एनडी न्यूज 27 के समस्त दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये मौका मुझे मिला कि मैं लोगों तक नेत्र रोग विशेषज्ञता के बारे में, अन्य बीमारियों के बारे में और खासकर मोतियाबिंद के बारे में इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक बतला सकें, क्या किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए आँख के रोगों में, खासकर मोतियाबिंद के ऑपरेशन में एवं आँख के अन्य समस्याओं में। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाह रहा था, मोतियाबिंद बहुत एक आम बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों में 50 या 60 के उम्र से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसका एकमात्र सफल इलाज सिर्फ और सिर्फ मोतियाबिंद का लेंस प्रत्यारोपण है। लेंस प्रत्यारोपण आज के दिन में एक बहुत ही बेसिक सर्जरी है जिसका नाम है फेको इमल्सिफिकेशन, जिसको हम लोग घरेलू भाषा में रूबीन वाला ऑपरेशन या कुछ लोग लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन इस तरह की बातें से जानते हैं। कटिहार में पहले एवं नेपाल में खासकर पहले क्या होता था कि ऑपरेशन होता था जिसमें रोगियों को पहले आँख में सुई लगाई जाती थी। ऑपरेशन होता है वो आइडियली अक्टूबर टू मार्च होता है, लोगों के दिल में और दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि मुझे ये ऑपरेशन लेंस का जो प्रत्यारोपण करवाना है वो ठंडा में ही करवाना है, ऐसा कुछ है क्या? ये बहुत आपने सही क्वेश्चन पूछा है विपुल जी, दरअसल सालों से यही धारणाएं लोगों में डाली जा रही है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन ठंड में कराना है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन सालों भर में आप कभी करा सकते हैं, इसमें गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं फेको कर रहा था शुरुआत में किया तो लोगों को ये समझाया, आज के डेट में मैं 2-3 लोगों से शुरुआत किया था ऑपरेशन, आज के डेट में मैं सैकड़ों ऑपरेशन महीने में करता हूँ और लोग बहुत संतुष्ट हैं और सब लोग रोशनी पाकर बहुत धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर साहब पहले 1 महीने तक नहीं नहाता था, नेपाल में कराता था ऑपरेशन, 1 महीने तक कुछ खाता नहीं था, अब ये सब चीज़ें से परेशानी से मुक्ति मिल गई, जो मेरा राजधानी में पटना में ऑपरेशन होता था वो ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, सब
सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। सर एक और सवाल, जो मरीज हैं ये जो मेरे दर्शक हैं उनके दिमाग में एक और सवाल आता है कि चूँकि आप एक कुशल सर्जन भी हैं, लेंस पर पैरोपण करते हैं, तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि देसी लेंस और विदेशी लेंस कौन सा बेटर है, विच वन इज बेटर एक्चुअली। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप कृपया थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। इस पर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी अगर ऑपरेशन कराएं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी, तो एक ही चीज़ पे ध्यान कराएं कि हमको फोल्डेबल लेंस डलवाना है। फोल्डेबल लेंस में क्वालिटी अलग अलग होती है, लेकिन फोल्डेबल लेंस अगर आपसे बोलिएगा, क्योंकि वो चीजा पट्टी वाला जो लेंस होता है जो बहुत बार सदर अस्पताल में भी होता है, वो उनके लिए अच्छा है जिनके पास एक भी रुपया नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उस लेंस में फिर झिल्ली जमने लगती है, और झिल्ली जमना, फिर बार बार डॉक्टर के पास जाना और हर बार उस झिल्ली को लेजर से साफ कराना, ये एक समस्या का कारण बन जाता है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, फोल्डेबल लेंस कराना है जहाँ भी ऑपरेशन हो रहा है, और ऐसा लेंस दिलवाएं जो ज़िंदगी भर चले। सर मेरे दर्शकों का एक और सवाल है, अक्सर लोग बात करते हैं सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया, दो तरह के मोतिया भी होता है, आम लोगों को ये जनरल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताएं कि सफ़ेद मोतिया बिंद और काला मोतिया बिंद में क्या बेसिक डिफरेंस है। काला मोतिया बिंद एक बहुत ही घातक बीमारी है, ग्लॉकोमा उसको कहते हैं। ग्लॉकोमा इज ए साइलेंट किलर, ईच एंड एवरीबडी इज ए ग्लॉकोमा सस्पेक्ट, इवन ग्लॉकोमा किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कैसे ब्लड प्रेशर है या चीनी की बीमारी है, क्योंकि धीरे धीरे ये शरीर को क्या करता है, आपको जैसे ब्लड प्रेशर और चीनी की बीमारी शरीर को धीरे धीरे दीमक की तरह खाती है, वैसे ही काला मोतियाबिंद आपके नस को धीरे 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 खाती रहती है। ये सफ़ेद मोतियाबिंद से अलग है, सफ़ेद मोतियाबिंद को ऑपरेशन करा के लोग 100% खुश हो जाते हैं, काला मोतियाबिंद में परिस्थिति अलग होती है, अगर इसका समय रहते सही जाँच न कराया जाए तो ये अंधापन की ओर लेके चल जाए। इसीलिए मेरे सबसे आग्रह है कि काला मोतियाबिंद का एवं आँख के पर्दा का प्रत्येक वर्ष में एक बार जरूर से जरूर जांच करें, खासकर जिनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या है। वैसे मैं कुछ नेत्र सर्जन के साथ मेरी मुलाकात हुई, उनसे लेंस प्रत्यारोपण के बारे में मैंने जानकारी लिया। अक्सर यहाँ के जो मरीज है, खासकर उत्तर बिहार के मरीज, उत्तर बिहार से सटा हुआ क्षेत्र वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल इवन मैंने कलकत्ता साइड से भी बहुत सारे ऐसे मरीज देखा जो लेंस लगाने के लिए, लेंस प्रत्यारोपण के लिए वो नेपाल जाते हैं। आखिर नेपाल क्यों जाते हैं, आप वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं सर्जरी करवाना चाहते हैं, क्यों नहीं लेंस प्रत्यारोपण करवाते हैं सर, क्या मैंने बेसिक क्या बात है सर, वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये बहुत सारे डॉक्टर इसे एक थ्रेट के रूप में देख रहे हैं नेपाल को, क्योंकि नेपाल में जो जाते हैं वो इन्फेरियर क्वालिटी का लेंस लगा के आते हैं, उनकी विजन हो सकता है 6 महीना और साल भर के बाद उनकी विजन क्लियर नहीं हो पाता है, यानी जो एक मानक है 6x6 विजन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे दर्शकों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे एमबी न्यूज के माध्यम से? ऐसे दर्शकों को मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अगर सालों तक बिहार में बात सही है, क्योंकि जो फेको इमल्सिफिकेशन की जो पद्धति है जिसको हम लोग बिना चीरा बिना सुई बिना पट्टी कहते हैं टॉपिकल फेको, ये ऑपरेशन क्योंकि सालों से बिहार में हो नहीं पाया, इसका मुख्य कारण यही है लोगों का बाहर की तरफ पलायन करना या बाहर जाकर ऑपरेशन करा लेना, इसका मुख्य कारण यही है। अब पिछले कुछ सालों से लगातार बिहार में फेको इमल्सिफिकेशन हो रहा है, तो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है लोगों में, लोगों को भी जानकारी है, हर एक जगह निःशुल्क, बहुत सारी जगह मैं निःशुल्क कैंप करता हूँ, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देता हूँ कि वो चीरा पट्टी वाला ऑपरेशन ना कराएं, जिसमें ऑपरेशन के बाद आँख में पट्टी लगती है, उस ऑपरेशन को अवॉइड करें, क्योंकि वो ऑपरेशन क्या है कि आपको जानकारी भी नहीं लगेगी कि आपके आँख में क्या डाला गया है, जो खासकर नेपाल में हो रहा है। नेपाल ना आपका देश है, ना आप उसको फ़ायदा पहुँचाकर कुछ ना कर रहे हैं, आपको किस तरह का लेंस लगा, क्या क्वालिटी का लेंस लगा, कुछ भी नहीं पता है, आप जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कटिहार में टॉपिकल फेको का न होना। मेरे इस सेंटर पे लगातार टॉपिकल फेको, आँख का अल्ट्रासाउंड, आँख का लेज़र, आँख की ओसीटी मशीन,
और खासकर ग्लॉकोमा की भी सारी जांच और रेटिना की भी सारी जांच अब से हो रही है, जिसको हम लोग इंट्राविट्रियल इंजेक्शन कहते हैं। इन सब तरह का इलाज अब तक बिहार में संभव हो चुका है और लोग बहुत संतुष्ट होकर जा भी रहे हैं। तो हमारा खासकर सीमांचल के सारे डॉक्टर्स का इकलौता एक ही मोटिव है कि जो लोग नेपाल के तरफ पलायन कर रहे थे इलाज कराने के लिए, अब वो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है और लोग ठेको करा रहे हैं, मोतियाबंद का लेंस प्रत्यारोपण बिना पीड़ा करा रहे हैं और काफ़ी संतुष्ट हैं और खुश भी। लेकिन हर एक ट्रेंड को चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, बस वही हो। जैसे क्रिकेट टीम में हमारी टीम पहले सालों से हारती थी, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ और जितने की एक ललक पैदा हुई, अब वैसे ही लोगों में ललक पैदा हुई है कि नहीं, मुझे बिना चीरा वाला ऑपरेशन कराना है, मुझे लेज़र कराना है। और ये सुविधा विगत कुछ वर्षों से कटिहार में हो रही है और मैं खासकर देख रहा हूँ कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। और आप देखिएगा विपुल जी, अगले 4-5 सालों में लोगों का पलायन पूरी तरह रुक जाएगी। सर, एक आखिर देश में वैश्विक महामारी के रूप में पैदा हुआ है, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो अभी आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि कटिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला रहा है। इस बारे में हमारे दर्शकों को, एमबी न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि इस बीमारी को लाइटली न लें। हाँ, बाहर जाएं, लेकिन परहेज से, मास्क जरूर से जरूर लगाएं बाहर जाते समय, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का जरूर से जरूर पालन करें, क्योंकि इस बीमारी में ऐसा नहीं है कि जिनको हो गया उनकी मोर्टिलिटी हो गई, लेकिन ये घातक है और बहुत लोगों को मेंटल इश्यूज भी हो जाते हैं इसके चलते। कहीं हमको तो नहीं हो गया, कहीं हमको नहीं हो गया। मैं खुद अपने हॉस्पिटल में लगातार सुबह से शाम तक पीपीई पहन के पेशेंट्स को देखता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पीपीई एक बहुत ही प्रोटेक्टिव चीज़ है, जिससे अन्य रोगियों को भी लगेगा कि हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे डॉक्टर से नहीं हो रहा है और डॉक्टर को मुझसे नहीं हो रहा है। मेरे अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन होता है, हर जगह वॉशिंग मशीन से ऑफ किया जाता है सुबह एवं शाम को। अन्य इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड का एलिफिस से इन्फेक्टेड क्यूर होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। खासकर मैं मार्केट जाने समय और बाहर के लोगों के लिए एक ही लास्ट में बात बोलना चाहता हूँ कि मास्क का ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि नहीं करने पे आप इस बीमारी से ग्रसित होने का आपको खतरा होगा। एक नई सवाल, एक नई बीमारी और एक नए डॉक्टर के साथ मैं तमाम जो जानकारी है मैं अपने तमाम दर्शकों को हर रविवार को शाम 4 बजे देता रहूँगा। मेरे न्यूज़ चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।